हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडियनेस, बिग इंडियन वर्सेस लिटिल इंडियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज मीन बाय इंडियनेस। इंडियनेस का सिंपल सा मीनिंग होता है बाइट ऑर्डरिंग एड्रेस या बाइट ऑर्डरिंग सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास डेटा है और उस डेटा को मुझे कंप्यूटर मेमोरी में सेव करना है, तो जिस ऑर्डर को या जिस सीक्वेंस को मैं फॉलो करके उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करूँगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडियनेस। तो इसका डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम बनाएंगे तो ये होगा, इंडियनेस इज अ ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ बाइट्स ऑफ अ डिजिटल डेटा इनटू द कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब इसका डेफिनेशन का मतलब सेम है, सेम हुआ, इट मीन्स कि किसी भी डेटा के को मेमोरी में स्टोर करना और उसके ऑर्डर और सीक्वेंस को फॉलो करना ही इंडियनेस होता है। अब इंडियनेस के दो टाइप्स होते हैं, पहला है बिग इंडियन, दूसरा है लिटिल इंडियन। तो चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज बिग इंडियन। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, इसको इसके पॉइंट्स को लिखा हुआ है ताकि आपको ईजी वे में मैं बता सकूँ। पहला है बाइट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या होता है, क्या समझा हमने इंडियनेस में, कि जब हम डेटा को सेव करते या हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो बिग इंडियन में डेटा अरेंजमेंट बाइट्स है, बिट है, वर्ड है, ये सब क्या है, ये सब डेटा है। तो बाइट्स का जो अरेंजमेंट होता है आपके कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज में बिग इंडियन में, वो होता है लेफ्ट टू राइट। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे डेटा अरेंजमेंट लेफ्ट टू राइट होता है। और इसका मेजर कंसर्न क्या है, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स इज स्टोर्ड एट दी लोएस्ट एड्रेस। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना हुआ है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ है 4 byte डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज 0th byte, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, 5 byte एंड सो ऑन। दिस इज वर्ड 0। नाउ व्हाट इज वर्ड, वर्ड इज अ कंटेनिंग 4 different bytes। अगर मुझे इस वर्ड का एड्रेस चाहिए तो ये क्या है, दिस बिग इंडियन सेज द एड्रेस ऑफ एवरी वर्ड इज द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग बाइट। मतलब वर्ड 0 का एड्रेस क्या होगा, स्टार्टिंग बाइट 0, वर्ड 1 का एड्रेस स्टार्टिंग बाइट अगेन 4, वर्ड 2 का 8 एंड वर्ड 3 का 12। गाइज, ये बहुत ही सिंपल है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इंडियनेस मतलब, इंडियनेस का मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंसिंग ऑफ बाइट्स इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। उसमें बिग इंडियन में जो अरेंजमेंट होता है डेटा अरेंजमेंट, वो पहला है बाइट्स का लेफ्ट टू राइट, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सेकेंड, MSB लोएस्ट एड्रेस पर स्टोर होता है। फिर आप कोई भी एक्स डेटा एज्यूम कर सको, मैंने अभी 4 byte एज्यूम किया हुआ है, आप उसको अरेंज करके टेबुलर फॉर्मेट में आप शो करो, वर्ड कंटेन्स 4 byte और हर एक का पर्टिकुलर उसका एड्रेस बता दो। व्हाट इज द एड्रेस, एड्रेस इज ऑलवेज बी द स्टार्टिंग बाइट। ये था बिग इंडियन। अब हम लोग लिटिल इंडियन समझते हैं इंडियन को। तो गाइस, लिटिल इंडियन क्या होता है, लिटिल इंडियन बिग इंडियन का टोटली अपोजिट है। बिग इंडियन में हमने क्या पढ़ा, bytes are ordered from left to right. तो यहाँ पे हो रहा है bytes are ordered from right to left. LSB, वहाँ पे MSB is stored at lowest address, यहाँ पे LSB are stored at the lowest address. ये diagram भी same है ताकि आपको easy वैसे समझे, आप में confusion ना हो। यहाँ पर हमने वहाँ पे 0, 1, 2, 3 लिखा था, यहाँ पे जो positioning है वो right to left है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. मतलब यहाँ पे डेटा अरेंजमेंट, ये सारे बिट्स ही, ये सारे बाइट्स ही है, 0th byte, 1 byte, बट इनका अरेंजमेंट है वो राइट पोजीशन से हो रहा है। अब वर्ड ज़ीरो का एड्रेस होगा byte 3, वर्ड 1 का बाइट एड्रेस ऑफ द byte 7, वर्ड 2 का 11 एंड सो ऑन। तो ये था आपका लिटिल इंडियन। गाइज, अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं बिग इंडियन अच्छा है या लिटिल इंडियन अच्छा है। तो गाइज, अच्छा या अच्छा नहीं होता कुछ, अपना अपना सबका फंक्शनैलिटी है। कुछ सिस्टम्स बिग इंडियन पे होते हैं, कुछ सिस्टम्स लिटिल इंडियन प्रोसेसर्स पे होते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन बिग डील। बिग इंडियन और लिटिल इंडियन दोनों भी प्रॉपर वे से चलते हैं, दोनों का अपना अपना फंक्शनैलिटी है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझते हैं।
यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं 0x01234567। अब ये क्या है, ये हेक्स फॉर्मेट में है, ओके। ये जो डेटा है ये हेक्स फॉर्मेट में है। अगर जीरो, जीरो क्या है, जीरो करंटली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, बराबर। जीरो क्या है आपका, जीरो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अगर मैं उसका बाइनरी कन्वर्जन बोलूँ तो उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, यस, फोर टाइम जीरो। जीरो का बाइनरी कन्वर्जन होगा फोर टाइम जीरो, और वन का क्या होगा, वन इज, इट इज़ इन डेसिमल, बाइनरी कन्वर्जन 0001। तो अगर इस डेटा को मुझे लिटिल इंडियन में स्टोर करना है, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को लिटिल इंडियन में राइट टू लेफ्ट है, मतलब राइट, तो हम इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, हम इसका प्रोनाउंसिएशन या इस डेटा को कॉल करने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलते हैं। ये इनका मेमोरी एड्रेस है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, बाइट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 क्या है, इट्स LSB, सो LSB स्टोर्ड एट द लोएस्ट एड्रेस, मतलब ये आपका 67 लिटिल इंडियन में लोएस्ट एड्रेस पे स्टोर है, 0x20 पे। वेयर एज ये सेम डेटा को अगर मैं अरेंज करती हूँ मेमोरी में, तो ये हो रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे जो आपका MSB डेटा है वो आपका 01 इट्स स्टोर्ड एट द लोएस्ट एड्रेस। तो गाइज ये इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है, आई होप आपको लिटिल इंडियन और बिग इंडियन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।